राधे राधे, मैं हूं वरुण और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वरुण जुग रिएक्शन। दोस्तों, हमारे मेरठ में 5 सिद्धपीठ हैं और उनमें से आज मैं एक सिद्धपीठ में आया हूं। नवरात्रि महोत्सव चल रहा है तो मैं मेरठ में माँ काली का मंदिर है सदर में, तो वहाँ सिद्धपीठ है ये, तो मैंने कहा चलिए दर्शन करते हैं और आपको भी दर्शन कराते हैं। तो चलिए माँ काली के दर्शन करते हैं और इस मंदिर के बारे में आपको बताएंगे। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखा कीजिए और पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। एक छोटी सी गली से होकर हम मंदिर के गेट पे पहुँचेंगे और मंदिर की दो एंट्रेंस है, एक मेन गेट है और एक बैक गेट से भी एंट्रेंस हो सकती है। तो आप देख सकते हैं ये मेन गेट है। दोस्तों, आपने मेरी पिछली वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दिया है तो ऐसे ही इस वीडियो को भी बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। आज मैं सिद्धपीठ मंदिर, काली माता का मंदिर है सदर में, वहाँ आया हूँ और हमारे साथ मंदिर की पुजारन है जो आपको मंदिर के बारे में बताएंगी, कितने साल पुराना मंदिर है और आपका नाम क्या है। मेरा नाम श्यामोली बनर्जी है। हाँ जी, तो आप मंदिर के बारे में कुछ बताइए हमें। ये हमारी सिद्धपीठ मंदिर है, ये 450 साल पुरानी मंदिर है। ये इस मंदिर की ये है कि यहाँ पे जो भी मन्नत खाली हाथ आता है भर हाथ जाता है। अभी इस समय नवरात्रे चल रहे हैं तो मैं देख रहा हूँ काफ़ी भीड़ हो रही है, काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे, दूर दूर से आते हैं, मेरठ से ही या मेरठ के बाहर से भी आते हैं, बॉम्बे से भी आते हैं, आउट ऑफ इंडिया से भी आते हैं। श्रद्धा है यहाँ पे, मान्यता है, सिद्धपीठ है ये। हाँ ठीक है जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। वेलकम। जय श्री राम, जय माता दी। आपका भाई गोल्डी। मैं बताना चाहता हूँ ये सिद्धपीठ कालीबाई मंदिर है, 450 साल पुराना है। यहाँ नवरात्र में दूर दूर से पूरे भारतभर से भक्त आते हैं, दिल्ली से, गाजियाबाद से, हरिद्वार से, उत्तराखंड से, कलकत्ता से, पूरे भारत के विभिन्न शहरों से मंदिर आते हैं। आप देख सकते हैं माता के मंदिर में भक्तों का भीड़ लगी हुई है, उमड़ी हुई है। माता रानी के भक्तों, कोई टोकरी ला रहा है, कोई चुन्नी ला रहा है, कोई नारियल ला रहा है, कोई श्रृंगार ला रहा है, कोई लहंगा ला रहा है, कोई चांदी का छतर ला रहा है, कोई बिछुए ला रहा है। जैसे जैसे माता रानी भक्तों की मनोकामना पूरी करती है वैसे वैसे भक्त श्रद्धा से आ रहे हैं। मंदिर में सुबह ही 3 बजे से भक्तों की कतार चालू हो जाती है और रात्रि 1 बजे तक मंदिर भक्तों की कतार ख़त्म नहीं होती। रात को आरती होती है 10 बजे ढोल लगाड़ों के साथ, दिन में फलों का भोग लगता है और 24 घंटे में आप देख सकते हैं 21 घंटे भक्तों की जैसे भीड़ चल रही है, इसी लगातार ये भीड़ चलती रहती है माता रानी के मंदिर में 9 दिन। जय माँ काली। मेरठ में सदर बाजार में सिद्धपीठ माँ काली मंदिर में वेस्ट यूपी से ही नहीं बल्कि आसपास के राज्यों से भी लोग यहाँ नवरात्र में आते हैं और माँ का आशीर्वाद लेते हैं, माँ इनकी सुनती है। यही वजह है कि यहाँ काफ़ी श्रद्धालु माँ के दर्शन करने हर वर्ष आते हैं। सदर बाजार स्थित माँ काली देवी का मंदिर 450 वर्ष से ज़्यादा पुराना है। बताते कि यहाँ पहले शमशान घाट हुआ करता था, तब यहाँ माँ काली की छोटी सी मूर्ति थी। लोग जब भी यहाँ आते मूर्ति की भी पूजा अर्चना करते थे, फिर यहाँ जो लोग आते उनकी मनोकामना भी पूरी होने लगी तो धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी। कहा जाता है कि माँ की पूजा करने से आसुरी शक्तियाँ टोने टोटके दूर होने लगे, तो इस मूर्ति के प्रति लोगों में अटूट श्रद्धा बन गई। करीब 150 साल पहले यहाँ इस मंदिर की स्थापना हुई, अब यह सिद्धपीठ के रूप में यहाँ यह मंदिर जाना जाता है और अन्य राज्यों के लोग माँ का आशीर्वाद लेने पहुँचते हैं। पिछले 50 वर्षों में माँ काली के दर्शन के लिए कई गुना श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है। वेस्ट यूपी में यह माँ काली मंदिर की प्रसिद्धि ऐसी है कि यहाँ नवरात्र के मौके पर माँ के दर्शन करने जरूर आते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भी यहाँ रात को होने वाली महाआरती में शामिल होता है माँ उसकी मनोकामना जरूर पूरी करती है, इसलिए महाआरती में यहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ होती है।
प्रत्येक शनिवार को माँ काली देवी को श्रद्धालु चुनरी श्रृंगार का सम्मान व नारियल चढ़ाते हैं और उनके सामने दीपक जलाते हैं। कोई विशेष कामना हो तो यहाँ धागा भी बांधते हैं और पूजा अर्चना के बाद रात को 10 बजे ढोल नगाड़ों के साथ होने वाली महाआरती में शामिल होते हैं। मान्यता है कि उन पर माँ काली की कृपा होती है। पढ़ाई करियर व अन्य बिगड़े काम को बनाने में माँ का आशीर्वाद मिलता है। दिल्ली से माँ काली देवी मंदिर की दूरी करीब 67 किलोमीटर है। वैशाली रोडवेज बस अड्डे से रिक्शा या ऑटो से यहाँ पहुँचा जा सकता है और वहाँ से दूरी 1 किलोमीटर है। तो आप ज़रूर आइए, एक बार ज़रूर दर्शन कीजिए। जय माँ काली। नवरात्रों में आपको माँ के दर्शन करा रहा हूँ, तो आप माँ के दर्शन कीजिए और जो भी मनोकामना हो आप वीडियो को देख के भी अपनी मनोकामना माँ से मांग सकते हैं, माँ आपकी ज़रूर सुनेगी। जय माँ काली। Thank you.
मंदिर के बाहर काफ़ी बाजार है जिसमें आप माँ के लिए चुनरी, श्रृंगार, दीपक और काफ़ी चीज़ें खरीद सकते हैं। और मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपको कि हमारा मेरठ के बारे में बहुत लोगों का कहना है कि यहाँ पर अशांति है और बहुत बातें बनती हैं, मगर मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि इस मंदिर के बाहर, ये देखिए, आप देख सकते हैं कि सामने, आपके सामने इस समय आप स्क्रीन में देख रहे होंगे, मस्जिद भी है और एक अद्भुत नज़ारा है। मंदिर, माँ का मंदिर है, मंदिर के पीछे मस्जिद है और मस्जिद के साथ में गुरुद्वारा है जो कि मैं आपको दिखाऊंगा, आप वीडियो में देखिए। और लोग बाग ऐसे ही मेरठ को बदनाम करते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है, काफ़ी शांति है हमारे मेरठ में, और मंदिर भी है, मस्जिद भी है और गुरुद्वारा भी है। तीनों धर्म के लोग यहाँ पर आते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। मंदिर में लोग मंदिर में भी आते हैं, गुरुद्वारे में भी आते हैं और साथ में मस्जिद है तो मस्जिद में भी आते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मेरठ काफ़ी शांतिपूर्ण है। और अब आप देखिए, इस समय हम आपको स्क्रीन में गुरुद्वारा दिखा रहा हूँ, मैं आपको साथ में ही मस्जिद के बिल्कुल साथ में ही गुरुद्वारा है। तो हमारे मेरठ में सब धर्म के लोग आपस में मिल के प्यार से रहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि लोग बाग दिखाया जाता है कि मेरठ में शांति नहीं है, आपस में प्यार नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारे बीच में काफ़ी प्यार मोहब्बत है और हम अमन से रह रहे हैं यहाँ पर। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर काफ़ी कम हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी सब्सक्राइबर को मेरे बढ़ाएँ। थैंक यू।